वेलकम टू स्कूल टाइम। आज है 14 अप्रैल 2023। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है। महिला प्रीमियर लीग शुरू और महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बेस। रमेश बेस। महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा। गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा। स्टेशन बनेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त सैर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। चौथी महिला नीति पेश करेगा। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में हुआ। महाराष्ट्र के लातूर में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज नॉलेज की स्थापना की गई। स्थापना की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। इन्होंने तमिलनाडु में पुदुमई पे योजना शुरू की है। पे योजना शुरू की। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। तमिलनाडु ने आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खतरनाक
प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की गई तमिलनाडु में नील गिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की परियोजना शुरू की। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई बैठक आयोजित की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के सीएम ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की और एक और योजना शुरू की, उसका नाम है आवासीय भू अधिकार योजना। आवासीय भू अधिकार योजना। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचवा संस्करण आयोजित हुआ। पांचवा संस्करण आयोजित हुआ। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है। तो नेशनल पार्क है कान्हा, पन्ना, माधव, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा आदि। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण आयोजित हुआ। संस्करण आयोजित किया। मध्य प्रदेश में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश में मऊगंज को 53वां जिला बनाया गया। जिला बनाया गया। और मध्य प्रदेश में सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन
सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल में आयोजित भारत के पहले और विश्व के दूसरे दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया।